पत्र पर आज 11 दिन पूरे हो गए, अभी तक ना कोई गिरफ्तारी ना आगे की कोई कार्रवाई, कैसे चलेगी लड़ाई? सर ये लड़ाई लंबी चलेगी और हम हार नहीं मानने वाले, चाहे यहाँ पे देखो बारिश आ रखी है, हम नहीं हटेंगे। हमने किसान आंदोलन में भी 13 महीने बैठे रहे थे, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ हो, हम हटने वाले नहीं है। हम यहाँ से जीत के ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। कल एक वीडियो वायरल है, उसमें कह रहे हैं कि रात को तो गायब हो जा रहे हो। रात को कोई गायब नहीं होता, आप आके देख सकते हो, सब यहाँ पे रहते हैं। जो यहाँ पे लोग होते हैं वो खर्च ले, मैं खुद यहाँ से तीन रातें यहाँ पे रहा हूँ, मैं वहाँ सोता हूँ पुली पे, तो मैं यहाँ पे तो कोई गायब नहीं होता, कोई भी आके जाके देख सकता है। तो ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा। सर एफ आई आर दर्ज हो गई है, पर वो अभी तक जेल के पीछे क्यों नहीं गया? तो सर एफ आई आर दर्ज हुई है, अभी तो एफ आई आर तो बीजेपी के कई लीडरों पे दर्ज है, आज तक कौन सा लीडर आप बीजेपी का अंदर गया है? एफ आई आर तो अगर मेरे एफ आई आर होती तो मैं तक अंदर होता जेल के, तो ये बजीब मिशन को एफ आई आर करते वो तो छोड़ जाएगा, उसको इतनी लंबी लिस्ट लगी हुई है। कांग्रेस और दलित से चला रहे हैं इसको धरना प्रदर्शन, ये सब झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, कोई ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। हाँ समर्थन दे रहे हैं तो अच्छी बात है, सर उस वो झूठा बंदा है, उसके तो इतनी तारीफ उल्टी लिस्ट लगी हुई है, वो तो कुछ भी बोल लेगा, उस पर तो हम विश्वास ही नहीं करते। वो एकदम का मेहमान धोखेबाज और बलात्कार इंसान है, उस पर हम नहीं विश्वास करते। और ये आंदोलन है जो ये किसी पार्टी का नहीं है, ये इंडिया की हर लड़की हर बहन और बेटी का है। नहीं ये प्रोग्राम कौन चला रहा है, ये धरना प्रदर्शन कौन चला रहा है? सोनिया गांधी चला रही है, राहुल गांधी चला रहे हैं, मेनका गांधी चला रही है, ये कोई भी पार्टी नहीं चला रही, ये सिर्फ इंसान जो यहाँ पे नागरिक है, नॉर्मल इंसान है, वो चला रहे हैं। यहाँ पे कोई पार्टी का कोई बंदा नहीं है सपोर्ट करता। आप बताओ इस धरने को कौन चला रहा है? बार बार आरोप लग रहा है कि फला व्यक्ति इसके लिए फाइनेंस कर रहा है, कोई कह रहा है कोई पार्टी फाइनेंस कर रही है। बिना सबूत के आधार पे अगर हम कोई बात करेंगे तो बिल्कुल गलत है। कानून इनको बिल्कुल न्याय देगा, लड़कियों को बिल्कुल न्याय देगा, कानून अपना काम बिल्कुल करेगा, कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, कोई भी कोर्ट को झूठा गुमराह नहीं कर सकता, कोई पुलिस को गुमराह नहीं कर सकता। और इतनी बरसात में अगर ये बच्चियां परेशान हैं तो कुछ ना कुछ तो परेशानी है। बाकी मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली में करप्शन मिटाने आए थे वो आके यहाँ पे नारे लगाएं और वो खुद करप्शन में लिप्त हैं, ये गलत है। मैं आपको एविडेंस के साथ एक कागज़ दिखाता हूँ। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं आदरणीय केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक दिल्ली पुलिस का डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, आप ये डॉक्यूमेंट लाइव लाइए कि केजरीवाल साहब किस लिए दिल्ली के लिए खतरा है। ये बहने हैं, बात यहाँ बेटियों को रही, आप दिल्ली के केजरीवाल पर पहुँच गए, बाद में बात होगी दिल्ली की, पहले बेटियों पे बात हो। बताइए बेटियों को, बताइए उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इनको न्याय से रोक सके। 11वां दिन है, पुलिस नवरात्र भी 9 दिन का होता है। यही माइक आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुँह पे लगाइए, अगर न्याय चाहिए तो यही माइक मेरी तरह ही मेरे डाल दीजिए अंदर, बिल्कुल दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लगाइए कि आप एविडेंस के आधार पे सीआरपीसी 41 का नोटिस क्यों नहीं भेज रहे हैं, ये कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल साहब के आने से करप्शन बढ़ी है और मैं उसका पीड़ित हूँ। मैंने मेरा दर्द अपना भी सुनाना था, मैंने अपना दर्द कहा है केजरीवाल जी के। पीड़ा आपको केजरीवाल से बताइए। 1.25 महीने हमें हमारे घर में बंदी बना के रखा गया, लाइट पानी काट के रखा गया। कहाँ से? राजौरी गार्डन दिल्ली से। राजौरी गार्डन? हाँ जी। क्यों रखा गया बंदी बना के? ये दिल्ली पुलिस से पूछिए ना सर, आज दिल्ली पुलिस काम क्यों नहीं कर रही है? कुछ तो रीजन बताया होगा आपको बंधक बनाने का। रीजन कुछ बताना ही नहीं है, यहाँ रीजन बता के काटते हैं लाइट। केजरीवाल थोड़ी कहने गए थे कि इनको बंधक बना। सर तो ये पेपर में क्यों लगा रहा हूँ पुलिस के आगे? आप कमिश्नर से यही बात पूछ के देखे ना कि आप राजौरी गार्डन जैसे इलाके में 1.25 महीने कैसे बंदी बना देते हैं घर के अंदर ही, कैसे लाइट काट देते हैं, कैसे पानी काट देती है पुलिस? पुलिस थोड़ी पानी काटती है, लाइट काटती है, लाइट बिजली विभाग काटता है, पानी जो पानी का विभाग होता है वो देखता है। अरे मुझे लाइव लाइए, हिम्मत करिए मुझे लाइव लाइए। आपको पूरा देखेगा, इनका बहुत बड़ा चैनल है, इस पे सारे लोग देखेंगे। अब क्या बात है, पुलिस कैसे काटेगी बिजली? बिल्कुल सर बिल्कुल, पानी बिजली काटी गई, हमारा गनर हटाया गया, हमारी सिक्योरिटी। गनर हटाया गया? हां हमारी। अरे आप हो कौन यार, पहले पर्चा बताओ। मैं शिव नारायण यादव। शिव नारायण यादव जी? हाँ जी। कहा है कि आपको गनर मिला था? सर हमने अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट से पहले कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी कि हमारे पे जानलेवा हमला होगा, तो हमने कंपनी का गनर लगाया हुआ था। आपको खतरा किससे है? खतरा में पुलिस से ही था सर। तो यार पुलिस से खतरा है, पुलिस को गार्ड बना लिए आप, तो गजब की बात, हमारा सर घुमा दिए। सर आप पुलिस को हल्के में ले रहे हो, पुलिस आपको क्यों मारना चाहिए? सर अगर पुलिस, आप MLA हो MP हो क्या हो? सर आम आदमी हूँ। आम आदमी को पुलिस मारेगी?
क्या बेवजह की बात कर रहे हैं? नहीं है आवाज भी क्यों, कोई औकात ही नहीं है। कुछ गलती किया होगा? अरे सर गलती करो तो करप्शन किया होगा? अरे तो सर मुझे उठा के बंद क्यों नहीं किया, बंद भी तो करना चाहिए। सर पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है काम के अंदर, और मैंने जो कहना था आपको कह दिया। अब आप मेरी तरह ही जैसे आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, एक बार आप कमिश्नर साहब से पूछे। अभी भाई दिल्ली कमिश्नर साहब से हम भी एक अनुरोध कर दे रहे हैं, आइए इधर फ्रेम में लीजिए, इनको दिल्ली पुलिस से खतरा है और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी भी लेते हैं, तो जरा बैठा कर इनसे जरूर पूछताछ की जाए कि इनके ऊपर क्यों खतरा है। सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपकी सुरक्षा के लिए हम मांग करेंगे, आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। दिल्ली धरने का 11 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, क्या कहेंगे इस पे? भाई कोई बार कार्रवाई नहीं, केंद्र सरकार कुछ सुन नहीं रही है, कुछ मान नहीं रही है, कुछ बात को झूठे आरोप लगा रही है, और क्या कर रही है आम पब्लिक? क्या कुछ समर्थन में आए हैं कि क्या करेंगे? आम पब्लिक पूरे समर्थन में है। कहाँ से हैं? हम कराड़ी विधानसभा से। क्या सरकार से कहना चाहेंगे इस मामले में? सरकार से कहना चाहेंगे इसका न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल सही सही डिसीजन लो, जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। चलिए अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? न्याय मिलेगा, संघर्ष जारी है, 11 दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा। मोदी कल है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तो बस कल का वेट कीजिए। मतलब सारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से, मोदी सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं, नपुंसक बन के बैठी हुई है, क्या करेंगे? बेटी सुरक्षा का नारा देती है, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, इन्होंने फेंकवा लो जितना मर्जी, 56 इंच का सीना है बस। भरोसा किस पे? केजरीवाल का भरोसा और किसी पे भरोसा? मोदी केजरीवाल की बात नहीं, बच्चियों की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी पे कोई भरोसा थोड़ी न्याय दे पाएंगे, तो मोदी पे कोई भरोसा नहीं हमारे को। मोदी कुछ नहीं करने का, सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहा है। केजरीवाल क्या कर लेंगे इसमें? केजरीवाल नहीं कर रहे, समर्थन तो दे रहे हैं, हिम्मत तो बना रहे हैं। अच्छा, हिम्मत तो दे रहे हैं ना, हिम्मत समर्थन क्या बात कर रहे हैं? तो हिम्मत दे रहे, हिम्मत से सब कुछ होता है मेरे भाई। अच्छा। मोदी जी में कभी ना हिम्मत देंगे ना कुछ देंगे, वो सिर्फ पब्लिक का नुकसान चाहते हैं। चलिए ठीक है, 11 दिन हो गए धरने का, कब तक लड़ेंगे इस बारिश में? देखिए अन्ना जी भी यहाँ बैठे थे, मैं भी बैठा उनके साथ, तो मैं अभी कई चैनलों को एक बात बता रहा हूँ कि गरीब ही गरीब की बात समझता है, अमीर अमीर की समझता है, बीमार की बात डॉक्टर समझता है। तो बाबू जी आप चैनल वाले हैं, तो आप चैनल वाले समझते हैं कि कौन सा बिका हुआ चैनल है, मोदी चैनल है, कुछ योगी चैनल है, गोदी मीडिया, कोई गोदी मीडिया है, तो आप अगर इसे दिखाते हैं तो आप अच्छे मीडिया हैं। तो मैंने देखा आप सही बात कर रहे हैं, सही मैंने आपको इसलिए बताना शुरू करा कि ये जो लोग हैं इनके तो बाल बच्चे हैं नहीं, जो सत्ता चला रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी तो शादी ही नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो छोड़ गए। तो ये दूसरों की बहन बेटी की जब जानते तो एक ही दिन में FIR उस दिन होनी थी, आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब वो कोई पावरफुल आदमी है, अब उसमें FIR हो गई, तो उत्तर प्रदेश से वो सांसद भी बहुत रह चुके हैं मैंने सुना है, तो उनका मकान नहीं तोड़ा जाएगा क्या? बहुत होंगे तोड़े, कुछ होंगे तो पुलिस की हथकड़ी में गोली मार के मार दिया है। आती का अहमद की हाँ, जो से भी अहमद हो, मैं ये बताने जा रहे हैं कि उनको गोली मार दी जाती है, इनका तो खुद ही MP है, उनको कुछ नहीं बोल रहे। तो FIR भी कौन कर रहा है? देश का चीफ जस्टिस वो बोल रहा है, तब FIR हो रही है, तो हमारे तुम्हारे जैसे कि तो कोई औकात ही नहीं रहेगी इस देश में, इस राज में, इस राज में, जहाँ पे किसी के मकान तोड़ दिए, किसी को गोली मरवा दी। मकान ब्रिजभूषण का क्यों नहीं टूट रहा? हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, बुलडोजर वहाँ भी चलना चाहिए, बुलडोजर मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे, तो और कुछ भी इससे है भी हो तो वो चलाओ, और मैं तो कह रहा हूँ उसको पहले अरेस्ट तो करो। तुम तो दो दो मिनट में अरेस्ट कर लेते हो, 2 मिनट नहीं लगती है अरेस्ट, क्या कह रहे जी ये रेल में बगैर टिकट चल रहा है अरेस्ट कर लिया। ठीक है।